लक्सो वाइट ब्रांड है जो कहती है जरा सा मुस्तफ नहीं सॉरी शेरनी दा निक्के जिया शेरा मैं ना कभी शावर खुशबू लगाऊं या सादा अब इसकी तरह होस्ट करना है उसके लिए आपको हां हां करके बात करनी पड़ेगी कर लेंगे हम 21st लक्स स्टाइल अवार्ड्स इतवार 25 दिसंबर शब 8 बजे रास्ता दिखा दे या खुदा मैं आपका सहारा बनूंगी अम्मी आपको संभालूंगी तेरे मरने के बाद तेरे फुशार दुनिया के लिए नहीं धान खड़ा हो जाएगा अरे क्या हुआ दुर्फिशा क्या हुआ दुर्फिशा क्यों रो रही हो मुझे स्कूल ले जाना मामा मुझसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता मेरी बेटी तो इतनी प्यारी है फिर कोई क्यों फ्रेंडशिप नहीं करता आपसे मेरी सारी क्लास कहती है कि मैं कातिल की बेटी हूँ मेरे बाबा ने किसी को मारा था तो फिर पुलिस ने उन्हें मार दिया मुझे स्कूल में सब तंग करते हैं मुझसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता मामा क्या मेरे पापा सच में कातिल थे दादा ने तुझे मुझे कितनी बड़ी खुशी दी मैं पानी लेके आ रुको इधर बैठो बैठो मेरे पास जी अम्मी कल तुम्हारी इद्दत खत्म हो रही है इसीलिए मैंने कुरान खानी रखी है तुम अगर किसी को चाहो तो बुला लो मैं किससे बुलाऊंगी अम्मी माँ बाप तो इस दुनिया में है नहीं ले देखे एक शोहर ही था जिसने सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था तुम्हें साथ छोड़ के चला गया तुम्हारे तुक का अंदाजा है मुझे और ये भी सच है कि इस नुकसान का अजाला मुमकिन नहीं लेकिन तुम अकेली नहीं हो हमाद की माँ होने के नाते मैं तुम्हारी भी माँ हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं जानती हूँ अम्मी और सच पूछिए तो आप यही सारी बातें जिसने मुझे इतना बड़ा गम सहने की हिम्मत दे दी है वरना हमाद के जाने के बाद तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था कोई वजह ही नहीं थी जिसके सहारे में जिंदगी गुजार हूँ कदर इस दर्द को सहना बहुत बहुत मुश्किल है आसान नहीं है ये लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा हर आने वाला कल पहले से ज्यादा मुश्किल तरीन होगा मैं ये चाहती हूँ कि तुम रोमाना को बुला लो वो तुम्हारी माँ जाएगी माएं मर जाएं तो उनकी खुशबू उनकी बहनों से आती अब्बू ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो फैसला कर लिया है उसको बदलना पड़ेगा
सब कुछ रिवाइंड करना पड़ेगा। आप खुद बताएं, एक शख्स जो कि मेरा शौहर है और मेरी बेटी का बाप है, इस वक्त बहुत मुश्किल में है। अगर मैं ऐसे वक्त में उसका साथ छोड़ दूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? ये रिश्ता तो निभाना पड़ेगा अपू, क्योंकि अगर नहीं निभाया तो आप खुद सोचें किस तरह के इल्जाम लगेंगे मुझ पर, मेरी बेटी का क्या मुकाम रहेगा इस माशरे में, कि उसका बाप एक मुजरिम जिसको फांसी होने वाली है और उसकी माँ, उसकी माँ एक खुद गर्ज औरत, इसने शोहर पर मुश्किल आते ही किसी और के साथ जाकर जिंदगी बसा ली। नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती। बेटा अपने दिल की सुनो, और दिल जो कहता है ना वो कर डाल, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो, वो सब आजमाइशें दूर कर दे। थैंक यू अबू, साहब मेरे लिए दुआ करें कि जो फैसला मैंने अपने लिए कर लिया है अब उस पे साबित कदम रहूं मैं। अल्लाह ताला किसी तरह बस फांसे को बदल दे, उसके दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। बेटा तुम जो जंग लड़ने निकली हो, अल्लाह तुम्हें उसमें कामयाब करे, और अब तुमने घर बसाने का फैसला कर ही लिया है तो बस इसमें साबित कदम रहना, अल्लाह वासे के दिल में तुम्हारे लिए नरमी पैदा करे। याद रखना कि अब कैसे भी हालात तुम्हें निभाना है, खुश रहो। कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटी को इतने नाजों से पाला है उसे इतनी मुसीबतों और मुश्किलों में गिरा देखना पड़ेगा। आप अच्छी सोच रखें, यूं देखिए ना, अगर हमारी दुरिया अपने शौहर को मौत के मुंह से निकाल लाए तो अल्लाह पाक उसकी कदर कितनी बढ़ा देगा उसके दिल में, और अगर उसकी सजा में कमी नहीं हुई तो हमारी बेटी, हमारी नवासी और जमाने की जिल्लत, कभी अपने आप को इस ट्रॉमा से निकाल नहीं पाएंगे। मकतूल के खानदान को तो जिंदगी गुजारने के लिए आंसुओं और हमदर्दी का सहारा मिल जाता है, लेकिन कत्ल करने वाला तो सिर्फ और सिर्फ सफाकी समेटता है, लोगों की नजरों में उसके लिए नफरत कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह सब रहम करेगा, सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। ये कड़ा वक्त है मंजूर, जो पलक झपकते गुजर जाएगा।
सुन लो, कोई है? क्यों शोर मचा रखा है? सारी नींद हराम कर दी हमारी। नमाज पढ़ना चाहता हूँ। नमाज पढ़ना चाहती हूँ। मौत करीब आती, खुदा की याद आ गई। पढ़ लो कितनी नमाजें पढ़नी है, कर लो कितनी दुआएं करनी है। चलो बाहर। आओ। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله कदर हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा कीमती एहसास होता है जो कि अगर उसकी जिंदगी में ना हो ना तो उस इंसान की जिंदगी बेकार हो जाती। अच्छा, आपकी जिंदगी में कोई है ऐसा कीमती एहसास? ये कैसा सवाल? जाहिर सी बात, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी का वो कीमती एहसास। मैं? हाँ। और पता है क्या, हरा मेरी जिंदगी में आने से पहले मुझे बस ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस चीज की मुझे समझ नहीं आती थी।
लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी कदर क्या है, मेरी कदर क्या है। बस मैं से एक वादा चाहता हूँ तुमसे, वो ये है कि आज के बाद जो कुछ भी हो जाए, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। कभी भी नहीं। वादा? सोचना पड़ेगा। कवर सुबह सुबह फोन। हेलो हेलो अदीला बाजी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप अभी तक आई नहीं। मैं समझी नहीं। वो आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझे वासे से मिलवाने ले जाएंगी। हाँ बस ध्यान नहीं रहा। तो मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, आप आ रही है ना? अदुरिया मुझे अभी बहुत जरूरी काम है। अच्छा देखो मैं तुम्हें ड्राइवर भिजवाती हूँ, तुम और दुर्रफिशा वासे से जाकर मिल लो। मैं भी बस जब काम से फारिग होती हूँ तो आ जाऊंगी। जी आप मुझे गाड़ी भेज दें, मैं खुद चली जाती हूँ। ओके। अदीला अदीला, ये तुम्हारी मैडम कहाँ गई है? सर वो तो बाहर चली गई। कब? 10 से 15 मिनट हुए हैं। मुझे बिना बताए चली गई, जरूर शफीक से मिलने गई होगी, इसको इन्फॉर्म करना होगा। शफीक साहब कहाँ गए? ये लाहौर गए, उनके रिश्तेदारी की फौत की हो गई। अच्छा कब तक आएंगे? ये नहीं पता, 2-3 दिन लगे। कब लगे? अच्छा चलें ठीक है। क्या मुसीबत है, फोन क्यों बंद है इसका? क्या कहा है गार्ड ने? कहा है शफीक? मैडम वो वकील साहब लाहौर चले गए। क्या? गार्ड बता रहे हैं उनके किसी अजीज की वफात हो गई है, तो इसलिए उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। चल क्या रहा है, वासे को फांसी की सजा लगवा कर खुद लाहौर चला गया। तुम क्यों खड़े हुए हो यहाँ, आप गाड़ी चलाओ। जी मैडम। जी इमरान साहब काम हो गया, आपकी बेगम वापस चली गई। हेलो सफदर साहब, मुझे अभी और इसी वक्त उस लड़के का एड्रेस चाहिए जो वासे की गोली से मरा था, जल्दी से। जी लाइसेंस कैंसिल नहीं करवाया ना तो मेरा नाम भी अदीला नहीं। सदर की तरफ चलो। नहीं और कब तक? अल्लाह से अच्छी उम्मीद रख ले। माफी मांगी है मैंने, बार बार ऐसा लग रहा था जैसे फरिश्ते अभी मुझे अल्लाह के दरबार से लात मार के निकाल देंगे। वहां से किसी को भी ऐसे बाहर नहीं निकाला जाता, सबके लिए जगह है वहां। रहम खाकर लाई होगी मेरी बेटी को मिलवाने के लिए, इतने इसका बाप अब कितने दिनों का मेहमान है। नहीं
मैं अपनी बेटी के बाप का हाथ थामने आई हूँ, उसे ये बताने आई हूँ कि चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे, मैं और दुर्रे फिशां उसके साथ हैं। सब कुछ भूल के? नहीं, भूली नहीं हूँ, बस माफ किया है। बात है। अच्छा, आपने क्या सोचा है, अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसी अंधेरी गली में कह दूं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। रास्ता तो हमें ही तलाश करना है ना। हाँ, शफीक ने कहा हम माफी की अपील दायर करेंगे। उसके कुछ सोर्सेस हैं जिनके मुताबिक मक्तूल के वर्सा फोन भागे बस मुझे माफ कर देंगे। यार पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गहरे जाल में फंस गया हूं जहां से मुझे कभी आजादी नहीं मिलेगी। ऐसा मत कहें, आप वही वासे हैं ना जिसने कुछ भी ना होते हुए इतना बड़ा वासे एंटरप्राइजेस खड़ा कर दिया। फिर ये तो सिर्फ एक कोर्ट केस है। तुम्हें आजाद था दुनिया, जब अल्लाह आजमाता है ना तो कामयाबी का रास्ता भी वही दिखाता है। जानती हो तो रिया, तुम्हें यहां देखकर तुम्हारा माफीनामा सुनकर मेरा जी चाहता है कि मुझे जीने का मौका मिले। मैं सारी दुनिया की खुशियां तुम्हें दूं। मैं जी गया ना तो मैं कभी नहीं रोना हूं। इंशाल्लाह। क्या हुआ? वो लड़का यही आके रहता था मैडम, चार गली छोड़कर उसका घर है। अच्छा तो फिर चलो जल्दी से। जी सामने। वालेकुम सलाम, मैं पहचाना नहीं आपको। जी मैं वासे अहमद की बहन। यहाँ क्यों आई हैं आप और क्या काम है आपका यहाँ पे? मैं वासे के केस के सिलसिले में बात करने आई। क्या बात करेंगी, जज ने अपना फैसला सुना दिया है ना, सजा हो गई आपके भाई को, अब क्या बात करनी है? देखिए मैं जानती हूँ कि उसको सजा हो गई है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं एक दफा मिसेस हमाद और उनकी वालदा से बात कर सकूं। उनसे क्या बात करनी है आपको? आप मुझसे बात कीजिए, भाई हूँ मैं हमाद का, बोलिए क्या बात करनी है? देखिए मुनासिब नहीं लगता कि मैं इस तरह बाहर खड़े होके बात करूं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अंदर आके आपसे आपकी पूरी फैमिली से एक दफ़ा बात कर लूं। मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही थी, प्लीज़। ठीक है, आए अंदर। थैंक यू।
आइए बैठिए। शुक्रिया। ये कदर है हमाद की वाइफ। सलाम। वालेकुम सलाम। आप ये इंतजार कीजिए, मैं अम्मी को बुला के लाता हूँ। तुम्हें उसे अंदर लाने की जरूरत क्या थी? दरवाजे से क्यों नहीं बाहर किया उसे? अरे अम्मी, कोशिश तो की थी ना मैंने, अब वो बजिद है कि उसे आपसे और भाभी से मिलना है, क्या करूं? क्यों क्यों मिलना है? जाओ जाकर कह दो उसे नहीं मिलना हमें उससे। बेगैरती की भी कोई हद होती है। पहले उसके भाई ने मेरे मासूम बच्चे की जान ले ली, अब क्या हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर निकालो उसे मेरे घर से बाहर। अम्मा, ये बर्ताव ना मुनासिब नहीं है। आप ही ने तो हमें तरबियत दी है कि घर आए मेहमान को इज्जत देनी चाहिए। यही अखलाक है, लेकिन बेटे के कातिल की बहन के लिए नहीं है ये। अम्मा, आपका गुस्सा बजा है, लेकिन सोचे जरा, औरत जाते हैं हमारी छत के नीचे आई है, कसम से अगर मर्द होता ना सज्जाद धुतकार के उसे घर से बाहर निकालते, लेकिन औरत है, इस तरह सुलूक नहीं कर सकते। मिल ले। जी, मैं अपने वकील के साथ आना चाहती थी, लेकिन उसे अचानक लाहौर जाना पड़ा, तो इसलिए मैं अकेले आती। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम अकेली क्यों आई। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। देखिए, मैं यही बात करने आई हूँ। तो बोलो, सुन रही हूँ मैं। मुझे मुश्ताक ने बताया था कि उसकी बात हुई है आपसे मेरे भाई के केस के सिलसिले में, और आप लोग खून बहा के बस उसे माफ करने के लिए तैयार। मैं ये ब्लैंक चेक लेके आई हूँ। आप मेरे भाई की जिंदगी की जितनी भी कीमत लिखते हैं, मैं अदा करने के लिए तैयार। लेकिन प्लीज उसे माफ कर दें। उसने सारी जिंदगी इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं की होगी जितनी चंद महीने उसने जेल में मुसीबतें सही। देखिए, मैं मानती हूँ कि उससे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन उसकी एक मासूम बच्ची है, और उसने जानबूझ के सब कुछ नहीं किया, बस गुस्से में आके आपके बेटे को गोली लग गई थी, वरना मेरा भाई तो उसे पहचानता भी नहीं है। तुम अपने हवास में तो हो कि क्या बकवास है? तुम क्या समझती हो हम इतने गिरे पड़े हैं कि अपने बेटे के खून का सौदा तुम्हारी दौलत से करेंगे? तुम उठो, उठो और निकलो यहां से, फौरन उठो। प्लीज आप ऐसे ना करें, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी। मुझे मेरे लॉयर ने कहा था कि आप माफीनामा देने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह से मेरे भाई ने एक बाले जुर्म किया है, और अदालत ने उसे इसी वजह से सजाए मौत दी है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे वकील ने क्या कहा और क्यों कहा। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर तुम सारी दुनिया की दौलत मिलाकर मेरे कदमों तले रख दो, तब भी तुम्हें अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगी। सुना तुमने? अब निकलो यहां से, जाओ। सुना नहीं आपने क्या कहा है अम्मी ने? आह,
आप अपने भाई को माफ करवाना चाहती हैं ना, तो ठीक है, ठीक है, मुझे मुझे मेरा शौहर लौटा दे, क्योंकि इससे कम में तो हम लोग नहीं मानेंगे। देखो मुझे मुझे अंदाजा है। नहीं है अंदाजा आपको, नहीं अंदाजा आपको, अंदाजा होता तो आज आप यहां आने की जुर्रत ना करते हैं, क्योंकि आपके भाई ने हमारा वो नुकसान कर दिया है जिसकी कोई भरपाई नहीं है जिंदगी। मुझसे मेरा शौहर ही नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद छीन लिया, मेरी हस्ती बस्ती जिंदगी खत्म कर दी है। नहीं अंदाज़ आपको कैसे आपके भाई के गोली ने एक मां से उसका बेटा छीन लिया है, कैसे वो मां हर रात सिसक सिसक के अपने बेटे के लिए रोती है। नहीं अंदाज है आपको इस बात का, अगर अंदाजा है थोड़ा सा भी तो ठीक है, ठीक है, हटा दे यहां पे सब कुछ, जो कुछ भी हमसे छीना है लौटा दे हमें सब कुछ, तैयार है, हम तैयार हैं। क्यों हुआ खामोश, क्यों है आप, आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि आप हमें वो सब कुछ नहीं लौटा सकती जो आप हमसे छीन चुकी हैं। क्योंकि आपके भाई ने इतना बड़ा गुनाह किया है और इतना सब कुछ हमसे छीन लिया जिसकी कोई भरपाई नहीं है जिंदगी में। वैसे तो मेरे शौहर के बाद अब जिंदगी में खुशियां रही नहीं है, लेकिन लेकिन नहीं, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब मैं फिर से खुश होगी। और वो दिन होगा जब मेरे शौहर के कातिल को सजाए मौत मिलेगी। चली गई है, शफीक तो उससे मिला नहीं है, पता नहीं कब तक आएगी ये घर। फिर तुम मुझे बिना बताए कहां चली गई थी? हाँ मुझे जगाया तो होता, मैं साथ चलता। देखो शफीक को फोन आया था, वो माजरत कर रहा था, उसको इमरजेंसी में कल रात लाहौर जाना पड़ गया, उसकी खाला का इंतकाल हो गया था। मगर तुम परेशान मत हो, वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, वो एक दो दिन में वापस आ जाएगा। ठीक है, हम मकतूल के घर वालों से मिलकर हम वासे की रिहाई के मामला तय कर लेंगे। क्यों, क्यों किया तुमने ऐसा?
वासे ने तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, और तुम उसी की जिंदगी के पीछे पड़ गए। तुम क्या कह रही हो? हाँ देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला वासे का दुश्मन क्यों बनूंगा? वो तो मेरे भाइयों की तरह है, तुम अच्छी तरह जानती हो। बंद करो अपना ड्रामा, बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे। देखो तुम शायद भूल गई हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, अपने लहजे पर गौर करो। तुम सिखाओगे मुझे कैसे बात करनी है? अच्छा ओके, कूल डाउन, रिलैक्स, आओ कमरे में चलकर बात करते हैं। यह मुलाजमों के सामने तमाशा मत बताओ। तुम्हारा कोई कमरा नहीं और ना ही अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह है। क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो तुम्हारी हकीकत जानकर मुझे कहना चाहिए था। तुम क्या समझते थे मेरे भाई को फांसी लगवाकर मेरे जरिए उसकी दौलत पर कब्जा कर लेते? इसीलिए तुमने उसके लॉयर को खरीदा था ना? नहीं, ये सरासर झूठा ही इल्जाम है। ये इल्जाम है, मुझ पर यकीन करो दीना। नाम मत लो मेरा अपनी गंदी जबान से। मेरी गलती थी जो मैंने तुम पर यकीन किया। मुझे शुरू से ही अपने भाई का केस खुद हैंडल करना चाहिए। तुम्हारी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। देखो मैं नहीं जानता तुम्हारे शक की वजह। तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा, मेरी नियत पे कोई खोट नहीं है। बस कर दो अपने ये झूठ और मकारियों का पलंदा। अगर मैं मकतूल की फैमिली से खुद मिलकर नहीं आई होती ना, तो तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहे होते। रास्ता दिखा दे या